स्टार्ट हो गया अपनी गाड़ी का काम, मतलब बिरयानी खाते खाते हमारी हो गई हवा खराब, अंदर नहीं जाएगा अभी। और ये हाँ, ये हमारा ईट। अरे भाई मानते हो कि जहाज है रोड का वाले भाई साहब ने कैसे फंसाई है, मतलब जगह ही नहीं छोड़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। तो देखो फिलहाल आज मैं आया हूँ डोमिनार से, मतलब एजन भाई आए हुए थे तो इसकी सर्विस भी करानी है। मतलब जब से ये आई है ना सिर्फ इसकी एक सर्विस हुई है और यकीन नहीं करोगे आप, इसे आए हुए 2 साल हो गया तो मतलब चली नहीं है, तो इसलिए सर्विस भी नहीं हुई है। सिर्फ 5000 अराउंड चली होगी अभी तक टोटल। तो फिलहाल बजाज के शोरूम पे मैं चल रहा हूँ, एसन वाई वगैरह बाद में आएंगे, तो मैं फ़िलहाल इसको लेके चलता हूँ, फिर वहीं मिलते हैं आप लोगों से। ओके, तो फाइनली शोरूम पे तो हम आ गए। फिलहाल बाइक अपनी वहाँ पार्क कर दी, कोई है नहीं, सारा स्टाफ मतलब वर्कर्स भी कोई नहीं है, अभी सारे गए हुए लंच करने। लंच का टाइम हो गया तो लंच करने के बाद देखते हैं अपनी गाड़ी का नंबर कब आता है, जब भी आएगा दिखाएंगे। ओके, तो फिलहाल स्टार्ट हो गया अपनी गाड़ी का काम, मतलब लिखा पड़ी तो बस जाइए अंदर। चलो गाड़ी जा रही है भाई अब सर्विस। फिलहाल मस्त अपने रोड के जहाज का सर्विस कार्यक्रम हो गया स्टार्ट, जो कि कर रहे हैं हमारे राजू भाई। अरे भाई मानते हो कि जहाज है रोड का? जी जी, साइलेंसर भी खूब भारी है। चलो फिलहाल सर्विस वगैरह चलने दो उसकी, उसके बाद देखते हैं। फिलहाल गुरुजी और शुजा भाई वगैरह आ चुके हैं, इन लोग से भी मिलवाए थे। ये शुजा भाई, ए बस अपने गुरुजी, ये अपने फेवरेट आदमी में से, बड़ा गोरे लग रहे हो। गोरे हैं भाई अभी कहाँ, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब टाइम लगेगा, सर्विस ही चल रही है। ये तो फिलहाल मैं आया हूँ गाड़ी में, क्यों ये नहीं बताऊँगा। अच्छा चलो रुको बता ही देता हूँ, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे ना, तो फाइनली चलो बता ही देता हूँ। मतलब मैं सिर्फ चाय पी के आया था घर से, तो मेरे लिए मस्त एहसन भाई बिरयानी लाए हैं, और अपन बिरयानी लवर तो बचपन से ही है। खैर बहुत टेस्टी लग रही है गाइस, खुल जा सेम सेम, वाओ वाओ लिटरली वाओ वाओ। बाकी खा के टेस्ट और बता दो। वाओ सीरियसली, मतलब शानदार बिरयानी भाई, जो बात है बिरयानी का खाने का मजा ना हाथ से ही है भाई। मैं चावल वैसे चम्मच से खाता हूँ, लेकिन बिरयानी हाथ से भाई। चलो मैं खाता हूँ पहले, उसके बाद मिल। तो गाइस बिरयानी खाते खाते हमारी हो गई हवा खराब, पसीना पसीना हो गए हम, तो ऑलमोस्ट बस ख़त्म होने वाली है हमारा बिरयानी। उसके बाद हम मस्त कोल्ड ड्रिंक पीने जाएंगे, बस आप लोग दुआ करना यहाँ पर कहीं पे हमें कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। ओके गाइस, सूरत ख़राब हो रही है हमारी, तो अभी मत देखो आप हमें, बाय। मस्त हमारा कोल्ड ड्रिंक आ चुका है, और कोल्ड ड्रिंक आने के बाद मिलेगा हम आपको, मतलब हम अंदर नहीं जाएगा अभी। और ये हाँ, ये हमारा ईट, मतलब ये पावर बैंक की खाई बताऊँगा आप लोगों को। खैर इधर चलता हूँ मैं अभी, इधर बैठ के पहले कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पी लेते हैं, उसके बाद जाएंगे आप बाइक के पास। तो फाइनली गाड़ी हो गई थी यार, मतलब ऑलमोस्ट सर्विस हो गई, इसका साउंड सुनो हम लोगों। बहुत पावर है भाई गाड़ी में। मैं राजू भाई, पावर बहुत है गाड़ी में जी। चलो ऑलमोस्ट हो गई, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। ठीक है भाई, अपना जहाज पहुँच चुका है बाहर, मतलब लिटरली यहाँ सब, मतलब वो मैकेनिक से बोलते हैं आगे वाले भाई कि अरे भैया ले जाओ इसे जहाज़ को यहाँ से अब भाई जहाज़ नाम दे दिया है अब से, आज से हमने डोमिनार को रोड का जहाज़। बाहर खड़ा हुआ है अपना जहाज़, देखते हैं निकलते। तो फाइनली अपनी बाइक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी,
बस निकलते हैं। ओके तो फिलहाल देखो मतलब वहाँ से मैं आ गया था तो इनके आईफोन की भी थोड़ी सी काम थोड़ा सा काम था स्पीकर वगैरह का, वो भी अब करवा लिया है। फिलहाल देखो भाई गाड़ी वाले भाई साहब ने कैसे फंसाई है, मतलब जगह ही नहीं छोड़ी। कोशिश करते हैं निकालने की, फिर निकलते हैं। तो ऑलमोस्ट टेम्पर टेम्पर भी करवा लिया है, अब मस्त निकलते हैं इन लोगों के पास, देखते हैं कहाँ बैठेंगे। तो मस्त गाइस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं हम मज़े लेते हुए और लोगों का रिएक्शन देखते हुए। पूरा दिन डोमिनार को देने के बाद हमारे साथ हुई नाइंसाफी। देखो ये गए लेके डोमिनार और हम गरीबों को छोड़ दिया इसमें। ये एहसन भाई, हेलो गाइस, ये शर्माते हैं। मैं भी शर्माता था स्टार्टिंग में, लेकिन अब नहीं शर्माता। तो फर्स्ट टाइम है ना इसलिए शर्मा रहा है। दोबारा अभी फर्स्ट टाइम है ना इसलिए शर्मा। जो बात है, तुम्हारे जहाज की बहुत तारीफ हुई है वहाँ पे। चलो शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी बाइक का काम कराया। नहीं अब एक बार डोमिनार वाली ट्रिप पे भी जाएंगे, जो डोमिनार की बता रहे थे ना, उसमें मतलब सारी डोमिनार ही होंगी। तब इंशाल्लाह एक बार ब्लॉगिंग की मस्त ट्रिप पे मिलेंगे आपको। ठीक है चलो अब चलते हैं घर। हेलो गाइस, तो फिलहाल अब मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। मतलब बाकी सारी वीडियोस जो मैंने बनाई थी 14 प्रो मैक्स से नहीं थी, अब ये जो शूट कर रहा हूँ मैं, ये शूट है सैमसंग जेड फोल्ड 4 से। तो बताना आप लोग क्वालिटी में फ़र्क, बताना कैमरा क्वालिटी में फ़र्क बताना दोनों की, और कंपैरिजन करके देख लेना, पता चल जाएगा आपको। खैर मुझे अभी नहीं पता, मैं भी जब देखूंगा तब पता चलेगा। तो चलो इसी के साथ ये ब्लॉग अप करते हैं आप यहाँ एंड, मिलते हैं ऐसे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।